हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आप अभी यूट्यूब चैनल बनाने की सिर्फ सोच ही रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो या जानते होंगे कि यूट्यूब पर वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं, मगर वे एक प्रॉपरली सही तरीके को नहीं जानते होंगे जिनको अपना करके यूट्यूब पर वीडियो को वे अपलोड कर सकते हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो या नहीं जानते होंगे कि आखिर YouTube पर वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं, तो अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आप किस सही तरीके को अपना करके अपनी YouTube वीडियो को YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि YouTube में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, एंड स्क्रीन्स और कार्ड्स क्या होते हैं और उनको आप कैसे अपनी वीडियो को अपलोड करते समय अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जब भी YouTube वीडियो को अपलोड करना हो तो उस वीडियो को आप अपनी YouTube एप्लीकेशन की मदद से ना अपलोड करके आप क्रोम ब्राउजर की मदद से अपलोड कीजिए। आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और उसके बाद में यूट्यूब को ओपन करके उसमें वीडियो को अपलोड कीजिए, क्योंकि यूट्यूब एप्लीकेशन की तुलना में क्रोम ब्राउजर में आपको YouTube वीडियो को अपलोड करते समय ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इससे आपकी वीडियो के रैंक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपको YouTube वीडियो को अपलोड करते समय ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो आप एक प्रॉपरली तरीके से वीडियो को अपलोड कर सकते हो और उसे YouTube में अच्छी तरीके से रैंक करा सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी शुभम पाल पर। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में यह बताने की पूरी कोशिश की है कि आप बहुत ही आसानी से किस प्रकार अपनी YouTube वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि YouTube वीडियो को किस तरह से अपलोड किया जाता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब आप अपने मोबाइल में सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ सर्च कीजिए YouTube.com। अब YouTube की वेबसाइट हमारे सामने खुल चुकी है। अब यहाँ कॉर्नर में ऊपर राइट साइड 3 डॉट दिए हैं, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ दिया होगा डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप दोनों का ही क्रोम ब्राउजर का लेआउट सेम होता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ कॉर्नर में अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ योर चैनल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमें वीडियो अपलोड करना है तो इसके लिए यहाँ प्लस का आइकन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ सेलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और हमें जो भी वीडियो अपलोड करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वो आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में पड़ी होनी चाहिए और फिर यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे। अब ये अपलोड होने लगी है इसमें। अब देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे हमें वीडियो का जो भी टाइटल देना है, हमारी वीडियो जिससे भी रिलेटेड है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, उस टाइटल को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि हमारी कोई फर्स्ट वीडियो है तो हम लिख देंगे माय फर्स्ट वीडियो, या जो भी आपकी वीडियो का टाइटल हो उसे आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। और उसके बाद में हम अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके रखा है, उसे ही आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आपको यह बताऊंगा कि आपको एक प्रॉपरली तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वहाँ पर एक लिंक दे सकते हैं और उसके बाद में आप अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिस भी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, उसके अबाउट में उस वीडियो के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी यूजर आएगा तो उसको अबाउट से ही पता चल जाना चाहिए कि आपने इस वीडियो में बताया क्या है। तो यहाँ पर आप दूसरा अबाउट दिस वीडियो लिख सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं जो भी आपने उस वीडियो में बताया है। उसके बाद में हम यहाँ पर, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए, तो आप उनका भी लिंक यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद में आप अपने सोशल लिंक्स दे सकते हैं, जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं उसका लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद में आप अपनी अदर वीडियोस के लिंक्स दे सकते हैं, जिससे कि अगर कोई यूजर आपकी इस वीडियो को देखता है और वह आपके डिस्क्रिप्शन को ओपन करता है और उसे आपकी अदर वीडियोस के लिंक्स मिलते हैं, तो वो यूजर आपकी दूसरी वीडियोस को भी देख सकता है। और यहाँ पर आप एक डिस्क्लेमर लिख सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए, जिससे कि आपकी वीडियो पर कोई कॉपीराइट ना आए, अगर कोई भी कॉपीराइट बाय चांस आ भी रहा है तो वो ना आए। और उसके बाद में आप अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग्स लगा सकते हैं। आप
YouTube से ही टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी वेबसाइट को बताया है तो आप उसमें वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, ऐसे हैशटैग्स लगा सकते हैं और उसके बाद में आप अपनी वीडियो से रिलेटेड यहां पर क्वेरीज को भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो को रैंक करने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे बनती है, ऐसी बहुत सी क्वेरीज होती हैं जो यूजर यूट्यूब पर टाइप करता है, उन्हें भी आप यहां पर लिख सकते हैं। और बाद में आप यहां पर लिख सकते हैं थैंक्स फॉर सपोर्ट और अपने चैनल का नाम। यही एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन है जिसको आपको अपनी वीडियोस के नीचे लिखना है। अब आपको अपनी वीडियो के लिए एक थंबनेल को देना है, जिससे कि आपकी वीडियो को जो भी पहले देखे उसे वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। तो उसके लिए हम अपलोड थंबनेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमें जिस भी थंबनेल को लगाना है उसे हम पहले से ही बना के रखेंगे अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में। जहां पर भी वो हमारा थंबनेल है वहां से उस थंबनेल को सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो का थंबनेल लग चुका है। उसके बाद में हमारी वीडियो जिस भी कैटेगरी की है या भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उसके लिए हम अपनी वीडियो के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम प्लेलिस्ट का जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब या वेबसाइट, तो वो दे देंगे, यूट्यूब टिप्स या जो भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं उसे यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे। अब देख सकते हैं YouTube टिप्स नाम की एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। अब इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो इसी प्लेलिस्ट में शामिल हो जाएगी। उसके बाद में डन कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑडियंस का, तो आपकी वीडियो को कौन कौन देखे, कहाँ कहाँ तक आप अपनी वीडियो को पहुँचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस इट्स मेड फॉर किड्स, अगर आप किसी बच्चे के लिए, अगर आप चाइल्ड टाइप की वीडियो बनाते हैं, एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो उसे आप यस इट्स मेड फॉर किड्स पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, अगर आप टेक्निकल वीडियो बनाते हैं या एजुकेशन वीडियो बनाते हैं जो बच्चों के लिए नहीं बनी है, जिसे केवल बड़े ही देख सकते हैं, तो उसे आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एज रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो उस पर आप यस पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया है सो मोर, उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपकी वीडियो में कोई पेड प्रमोशन है, अगर आपने अपनी वीडियो में किसी स्पॉन्सरशिप से किसी चीज़ का प्रमोशन किया है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, और अगर आपकी वीडियो में कोई भी प्रमोशन नहीं है तो आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। और उसके बाद में यहाँ ऑटोमेटिक चैप्टर का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर अलाउ कर देंगे तो आपकी वीडियो में ऑटोमेटिक चैप्टर ऐड हो जाएंगे टाइम लैप्स के अनुसार। और उसके बाद में हम यहाँ पर टैग्स को ऐड करेंगे, तो आप जो भी टैग्स देना चाहते हैं उसको टाइप करेंगे, व्हाट इज वेबसाइट, फिर एंटर कर देंगे वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, फिर एंटर कर देंगे। आप ऐसे जितने भी टैग्स ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर लिमिट दी है 500, आप 500 वर्ड्स के टैग्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और आपने अपनी वीडियो को जिस भी लैंग्वेज में बना रखा है उस लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर दिया है रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन, तो यहाँ पर आप उस डेट को ऐड कर देंगे जिस भी डेट को आपने वीडियो को रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर आप कैप्शन सर्टिफिकेट पर नन ही रहने देंगे। उसके बाद में अपनी लोकेशन ऐड कर देंगे जहाँ पर भी आप रहते हो। और उसके बाद में यहाँ पर लाइसेंस का ऑप्शन दिया है, तो इस पर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही सेलेक्ट करने देंगे। उसके बाद में आपकी वीडियो जिस भी कैटेगरी की है, जैसे कि एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, पीपल एंड ब्लॉग्स, गेमिंग, आपकी वीडियो जिस भी कैटेगरी की है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में होल्ड पोटेंशियल इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर व्यू, इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर टॉप ही रहने देंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई सबटाइटल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड पर क्लिक करके हम अपनी वीडियो के लिए सबटाइटल को ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कार्ड्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। और अगर आप अपनी किसी दूसरी वीडियो को इस वीडियो के बीच में अपने कार्ड में शो कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम वीडियो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जिस भी वीडियो को सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और जिस भी टाइमिंग पर आप उसे सेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेट कर देंगे। और जब भी आपकी टाइमिंग यहाँ पर 2:17 या जहाँ पर भी आपने सेट किया है वहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर ऊपर कार्ड शो होने लगेगा। उसके बाद में हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो अब हमारी वीडियो में कार्ड ऐड हो चुका है। उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हम फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अब यहाँ पर आप वीडियो को पब्लिक रखना चाहते हैं, अनलिस्टेड रखना चाहते हैं या फिर प्राइवेट रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं उसे आप सेट कर सकते हैं। तो अभी तो हम इस वीडियो को अनलिस्टेड पर सेट कर देंगे। अनलिस्टेड का मतलब यह है कि आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके किसी दूसरे को सेंड करते हैं तो वो भी आपकी वीडियो को देख सकता है, और केवल वही आपकी वीडियो को देख सकता है और कोई नहीं। और अगर आप अपनी वीडियो को प्राइवेट रखते हैं तो इसे केवल आप ही देख सकते हैं।
उसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई शेड्यूल सेट करना चाहते हैं कि आपकी वीडियो इस डेट को इतने टाइम पर अपने आप अपलोड हो जाए, तो उसे आप सेट कर देंगे। जैसे कि हम कोई दूसरा शेड्यूल रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट डे हमारी वीडियो पहले एम पर अपलोड हो, तो ये शेड्यूल सेट करने के बाद आपकी वीडियो अपने आप ही इस टाइमिंग पर अपलोड हो जाएगी। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर सेव पब्लिश ही सेलेक्ट करेंगे, अनलिस्टेड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में सेव पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद में क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर जो पेंसिल का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अब हम अपनी वीडियो को अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ अनलिस्टेड पर क्लिक करेंगे और पब्लिक पर कर देंगे और डन पर कर देंगे और उसके बाद में सेव कर लेंगे। तो अब हमारी वीडियो प्रॉपरली तरीके से पब्लिश हो चुकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो में आप एंड स्क्रीन को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको जिस भी वीडियो में एंड स्क्रीन को लगाना है उसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिया है एंड स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमें जिस भी टाइप का एंड स्क्रीन अपनी वीडियो में लगाना है, यहाँ पर चार लेआउट दिया है, उसमें से आप किसी भी लेआउट को सेट कर सकते हैं। पहले वाले लेआउट को सेट करेंगे और यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी टाइमिंग पर आपका एंड स्क्रीन ऑन हो जाए। तो हम यहाँ पर लास्ट के 5 सेकंड जो कि मिनिमम होता है उसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी वीडियो जब भी यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर अपने आप ही यहाँ पर एंड स्क्रीन आ जाएगी, आपके चैनल के लिए एंड स्क्रीन आ जाएगी। आपने जिस भी वीडियो को सेलेक्ट कर रखा है, चूज स्पेसिफिक वीडियो, वह स्पेसिफिक वीडियो यहाँ पर आने लगेगी और ऊपर आपके चैनल का आइकन आने लगेगा। उसके बाद में हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारी वीडियो पूरी तरीके से प्रॉपरली तरीके से अपलोड हो चुकी है। हमने अपनी वीडियो का टाइटल लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन लिख दिया है जो कि प्रोफेशनल है पूरी तरीके से। उसके बाद में हमने अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन ऐड कर दी है, कार्ड्स को ऐड कर दिया है और प्लेलिस्ट को भी ऐड कर लिया है यूट्यूब टिप्स नाम की। तो यही सही तरीका होता है अपनी वीडियो को यूट्यूब पर एक प्रॉपरली तरीके से अपलोड करने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया उसे देख करके और उसे सुन करके आप यह समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से अपनी YouTube वीडियो को एक प्रॉपरली सही तरीके को अपना करके अपलोड कर सकते हैं और YouTube में एक अच्छे खासे तरीके से अपनी वीडियो को रैंक करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में एक न्यू मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।